फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल अबाउट वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम 24 फीट बाई 34 फीट का अगर हमारा प्लॉट हो तो उसमें हाउस प्लान कैसे करेंगे ये सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा प्लॉट का जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यह हमारा 24 फीट है और यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक 34 फीट है। ये दो चीज़ क्लियर हो गई कि हमारी विड्थ जो है वो 24 फीट है और हमारी लेंथ जो है वो 34 यानी 34 फीट है। और फ्रंट पे हमारा ये रोड जा रहा है। अब इसमें हमको हाउस प्लान करना है तो सबसे पहले तो हमारा आता है आउटर वॉल, बाहर वाली जो हमारी दीवार होती है सबसे पहले उसका नंबर आता है। हम पहले बाहर वाली वॉल करेंगे। बाहर वाली वॉल हमारी कितने की होगी? 230 mm यानी 9 इंच की दीवार होगी। इनर वॉल हम सारी 115 mm यानी 4.5 इंच की करेंगे। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पार्किंग के लिए 12 फीट बाई 12 फीट ऐसे और 15 फीट ऐसे स्पेस लेंगे। इसमें से वॉल लेस होगी। ये 12 फीट बाई 15 फीट में से वॉल का एरिया लेस हो जाएगा। तो जितना भी साइज आएगा वो साइज बन जाएगा आपका। ये हो गया आपका पार्किंग क्लियर। उसके बाद यहाँ पे हमारा 4 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक 4 फीट बाई 12 फीट का ओपन स्पेस छोड़ेंगे। यहाँ पे आपके फूल पौधे लग जाएंगे। ये हो गया आपका क्लियर। उसके बाद यहाँ पे ये दीवार आ जाएगी आपकी और ये दीवार आ जाएगी। यहाँ पे आपका गेट होगा, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद ये हमारा जो रूम आएगा 16 बाई 12, 16 फिट ऐसे और 12 फिट ऐसे, ये हमारा ड्राइंग रूम हो जाएगा। ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया। अब यहाँ से हम अंदर चलते हैं। यहाँ अंदर आएंगे, यहाँ 8, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 फिट बाई यहाँ से यहाँ तक 12 फिट का स्पेस जो बचेगा वहाँ पे डाइनिंग रूम हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हम एक दीवार देंगे और यहाँ से हमारी स्टेयर केस फर्स्ट फ्लोर के लिए चली जाएगी। यहाँ से हमारी स्टेयर केस अप जाएगी, इधर को जाके फर्स्ट फ्लोर के लिए चली जाएगी। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे 7 फिट बाई 7 फिट का किचन बनाएंगे। किचन की सेल्फ हमारी इस दीवार पे भी और इस दीवार पे, यहाँ से लेके ऐसे किचन की सेल्फ हमारी डल जाएगी। ये हमारी किचन की सेल्फ हो गई। और उसके बाद यहाँ पे एक दीवार आएगी, यहाँ पे हमारा 7 फिट बाई 6 फिट का टॉयलेट बाथरूम सेट हो जाएगा। उसके बाद हम उसके जस्ट बगल में एक बेडरूम देंगे 12 बाई 10 का। ये हमारा हो गया बेडरूम, ये हमारा हो गया ड्राइंग रूम, ये हमारा हो गया डाइनिंग एरिया, ये हमारा हो गया किचन, ये हमारा हो गया टॉयलेट बाथरूम, ये हमारी स्टेयर केस हो गई फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए। अब हमारे पास स्पेस बचता है 4 फिट बाई 24 फिट का। ये हम ओपन स्पेस रखेंगे वेंटिलेशन के लिए। हमारा फ्रंट पे तो वेंटिलेशन का हो गया है, हमें बैक में भी रखना पड़ेगा इस वाले रूम के लिए, किचन के लिए, टॉयलेट के लिए। तो ये 4 फिट बाई 24 फिट का जो ओपन स्पेस है उसमें हम यहाँ से एक गेट देंगे इसके अंदर जाने के लिए। ये आप यहाँ पे आपको कपड़े सुखाने के भी काम आ सकता है और वेंटिलेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको देना ही पड़े। उसके बाद आप यहाँ पे आपका वेदर शेड यानी कि छज्जा आ जाएगा। देखिए जो डॉट डॉट लाइन है ये आपका छज्जा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारा नंबर आता है डोर पे, हम कहाँ कहाँ डोर देंगे। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। पहला डोर हमारा ये मेन गेट आता है, जो रोड के साथ हमारी जो दीवार आ रही है बाउंड्री वॉल, यहाँ पे हम मेन गेट देंगे। ये हमारा बड़ा गेट लगता है लोहे का। उसके बाद हम जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क हो जाएगी और यहाँ पे हम एक गेट देंगे अंदर जाने के लिए। एक गेट ये हो गया। अब यहाँ से जब एंटर करेंगे तो ये हमारा बेडरूम आता है। बेडरूम में आप यहाँ से भी गेट दे सकते हैं, यहाँ से भी गेट दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप इधर से दें या इधर से दें। यह हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा आता है ओपन स्पेस का। अगर आपको एक गेट देना हो तो यहाँ से भी आप एक गेट दे सकते हैं इसके अंदर जाने के लिए, नहीं देना हो तो मत दीजिए।
उसके बाद हमारा टॉयलेट बाथरूम का गेट यहाँ से हो जाएगा, और किचन में कोई गेट नहीं लगेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा खाली रहेगा किचन में जाने के लिए। यहाँ पे कोई गेट नहीं होगा, ओपन किचन रहता है। यहाँ पे एक गेट देंगे हम अंदर जाने के लिए इसके। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं वेंटिलेशन की तरफ। अब यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम। एक विंडो हम यहाँ पे देंगे। विंडो आपको अपने हिसाब से देना होगा, या तो आप छोटा दे दीजिए, या पूरे में लगाना हो तो पूरे में लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके कॉटन्स वगैरह लग जाएंगे, तो आपका सनलाइट और फ्रेश एयर के लिए काफ़ी अच्छा होगा ये। उसके बाद हम एक यहाँ पे टॉयलेट में यहाँ पे एक विंडो देंगे, और यहाँ पे भी विंडो आप पूरे किचन में लगा सकते हैं। आपको सनलाइट के लिए अगर लगाना है तो पूरे में भी लगा सकते हैं, अगर छोटा लगाना हो तो छोटा भी विंडो लग सकता है। तो यहाँ से आपका फ्रेश एयर और सनलाइट का काम हो जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, एक आपको पार्किंग वाली वाल पे यहाँ पे एक विंडो देना होगा। अगर आप बड़ी विंडो दे देंगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ विंडो दे सकते हैं आप। एक विंडो ये हो गया, एक विंडो ये हो गया, एक विंडो ये, एक विंडो ये, तो आपका पूरा ही यहाँ से फ्रेश एयर आने का काम हो जाएगा। उसके बाद फ्रंट वाले रूम में यहाँ पे एक विंडो, या तो यहाँ पे एक बड़ी सी विंडो लगा देंगे तो और इस ड्राइंग रूम का लुक और बढ़ जाएगा। यहाँ पे फूल पौधे लगे होंगे तो ये देखने में काफ़ी आपको अच्छा सा लगेगा। तो ये तो आपका हो गया, वेंटिलेशन का भी हो गया, गेट का भी हो गया, और मैंने वॉल का पहले ही आपको बता दिया है कि वॉल का एरिया इसमें से जो आपका 16x12 दिया हो तो इसमें से 230, और एक ये आपका ये वाली वॉल भी 230 की रहेगी। ये वाली वाल आपकी 230 की रहेगी, तो ये दोनों लेस हो जाएंगे। तो जो एरिया बचेगा वो एरिया आएगा आपका। तो मैं आशा करता हूँ मेरी इस दी गई जानकारी से आपको, अगर 24x34 फीट का अगर आपका प्लॉट है तो उसमें हाउस प्लान आप कर सकते हैं, और इससे अगर मिलता जुलता भी है, अगर इस शेप में है आपका प्लॉट, तो आपका काम आसानी से हो सकता है। और आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका आंसर दिया जाएगा। और मैं आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ें डालता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मेरे को एक बार मौका दीजिए ताकि मैं आपको आने वाले टाइम में अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकूँ। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका सुधार करूँगा। धन्यवाद।